अभी बारिश के टाइम में तरक्सी है वहाँ क्योंकि 4 घंटे मरवाने के बाद भी अपना काम नहीं हुआ। गुड मॉर्निंग गाइस, और अपनी प्यारी सी सुबह हो चुकी है। इस कम्युनिटी सेंटर के ड्रामा हॉल के अंदर रात को हम लोग सोए थे, जो पीछे स्टेज दिख रहा है इसी के ऊपर। काफ़ी इन्जॉय किया हम लोगों ने, डांस भी हुआ, म्यूजिक भी हुआ, मगर ये जो आर्म्ड फोर्सेस के बंदे हैं इसी वजह से मैं शूट नहीं कर पाया उस एक्सपीरियंस को, उसके लिए सॉरी चाहूँगा मैं। तो अभी आज का अपना काम है, पहले तो अपने को वापस जाना है DC ऑफिस में, वहाँ से DC सर से पूछना है कि हम विदाउट व्हीकल जा सकते हैं कि नहीं। और अभी अपना जाने का प्लान है यहाँ से DC ऑफिस, वहाँ पे जाके ट्राई करेंगे अगर अपने को परमिशन मिलता है आगे लाचुंग और लाचिंग जाने के लिए। अगर नहीं मिलता तो फिर यहाँ से निकल जाएंगे हम अरुणाचल प्रदेश के लिए। और अपना जो कम्युनिटी सेंटर है इसके बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा है, काफ़ी प्यारे हैं। उस तरफ पहाड़ हैं, उनके ऊपर बादल हैं, मगर पेड़ों ने सब कुछ छुपा रखा है तो नहीं दिख रहा होगा आपको। सो ये भाई साहब अभी अपनी हेल्प करने की ट्राई करेंगे, क्या पता कुछ हो बन पाए तो। व्हाट देयर सेइंग? नो हिचहाइकिंग, नो ट्रैकिंग, नो ट्रैकिंग। कैब चाहिएगा? थोलुंग तो इसमें दिखा नहीं रहा ना, वही तो प्रॉब्लम है। दिखा रहे थे तो दाजू ने अपने को एक अच्छा एडवाइस दिया है कि आप लाचिंग लाचुंग को ड्रॉप कर दीजिए और निकलिए थोलुंग की तरफ। थैंक यू दाजू, थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ से अपने निकलते हैं थोलुंग के लिए। थोलुंग यहाँ से 15-20 किलोमीटर दूर होगा, जिसमें से 5-6 किलोमीटर का आपको रोड मिल जाएगा और बाकी के रास्ते में आपको ट्रैकिंग करके जाना पड़ता है। आज किससे पूछने जो सीधा परमिट वाले सेक्शन में चले हैं, क्योंकि कल 3 घंटे भटके थे, पूरा आइडिया लग चुका है ऑफिस का। हेलो, ये लोग कौन गए? जब तक आप टाइम कंप्लीट नहीं होता मैं आपको ये ऑफिस से बाहर का नज़ारा दिखा देता हूँ। कितना सुंदर है ना, वो पहाड़ के नीचे से बादल आ रखे हैं और वो छोटे 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 घर दिख रहे हैं बने हुए। अभी परमिट ऑफिस में क्या मस्त सा सीन हो गया एक तगड़े वाला। मैंने उनको बताया कि मेरे को तोलुंग जाना है, तो वो लोग बोले कि आप अकेले नहीं जा सकते, कोई लोकल चाहिए आपको साथ में। तो मैंने जो नवांग दाजू मिले थे जिन्होंने अपने को सजेस्ट किया था, मैंने उनका फोटो दिखा दिया कि ये अपने साथ जा रहे हैं, लोकल हैं। जो परमिट ऑफिस में अंकल बैठे थे वो बोले, एक पास में आंटी बैठी थी उनको, ओह देखो ये तो आपका लड़का है। मैं सोचा फंस गया भाई, फंस गया। तो आंटी बोले, आप इनको कैसे जानते हो? मैं बोला, हम लोग बाहर मिले थे। बोले कि आज से जानते? बोले ना हम लोग इंजीनियरिंग करते थे साथ में अजमेर, क्योंकि जो नवांग भाई है उन्होंने मेरे को बताया कि मैं अजमेर से इंजीनियरिंग कर रहा था, तो अपना काम बन गया मस्त वाला। बट उन्होंने मेरे को रेफर किया, ADM सर से बात कर लो पहले आप। तो ADM सर का जो ऑफिस है वो अभी बंद है, तो 5-10 मिनट बाद खुलेगा शायद, तो उससे पहले अपने थोड़ा खाना पीना कर लेते हैं। तो यहाँ पे ऑफिस के अंदर ही कुछ ऐसा सा ढाबा बन रखा है। हेलो हेलो, खाने में क्या होगा? खाने में सिर्फ सूखा रोटी और चिकन। चिकन? हाँ। विद सूखा रोटी? हाँ। कुछ दाल वगैरह नहीं होगा? दाल नहीं हुआ, okay. नहीं होगा। कोई ना, तो ये एक प्लेट कर दो, ठीक है? हाँ, है। बोलो। रास्ता भी बहुत खराब है। थोलुंग का रास्ता मतलब और फॉरेस्ट कैसा है? डेंस है? फॉरेस्ट भी डेंस है। ओके, आपको वहाँ पे एक घर भी नहीं मिलेगा। अच्छा, घर वगैरह कुछ नहीं है? खाना पीना सब आपको यहाँ से अरेंज करके लेके जाना पड़ेगा। आपको खुद ही कुक करना पड़ेगा रास्ते में ना? रास्ते में। ओके ओके ओके, टेंशन है तो। और रास्ता भटक जाते हैं, मतलब हम 5 दिन का पास बनवाते हैं, 5 दिन में वापिस नहीं आते, तो इन लोगों को पता चल जाएगा कि रास्ता भटक गए वो ना, तो कोई हमें ढूंढने के लिए तो आएगा ना। वो आप लोग को नीचे पुलिस थाना में परमिट एंट्री वहाँ पे देके रखा है ना, तो वो पुलिस वाले आएंगे। ओके ओके, ढूंढ लेंगे ना हमें। अभी बारिश के टाइम में तरक्सी है वहाँ, आपको वहाँ पे कुछ जाने का पता चल जाएगा। हम खराब रास्ता एक्सपीरियंस करेंगे खुद से। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो ये आ गया अपना चिकन और रोटी, खुशबू तो काफी अच्छा आ रहा है। तो जल्दी से करके निकलते हैं ADM सर से बात करने के लिए। क्या बोला इन्होंने? इन्होंने ऐसा बोला हम लोग को इंडिविजुअल नहीं देता है, उधर का एक तो बेड लेना पड़ेगा आप लोग को। अच्छा, उधर होम स्टे पर बैठना पड़ेगा। तो ये सुंदर सुंदर घर, ये सुंदर सुंदर वादियाँ, ये भी मेरे को बहुत गंदी लग रही हैं आज, क्योंकि 4 घंटे मरवाने के बाद भी अपना काम नहीं हुआ। ये लोग बोल रहे हैं कि आपको चाहिए एक लोकल गाइड अपने साथ में, और आगे जाने के बाद आपको रुकना पड़ेगा किसी होम स्टे में, जिसका चार्ज होगा 1000 से 1200 रुपये।
और ट्रैकिंग में 4 दिन का टाइम लगेगा, तो लोकल गाइड के 2000 और 1000-1200 के उस हिसाब से लगा लो 5000-6000 रुपये जाके पड़ेगा। तो फाइनली अपना डिसीजन ये हुआ है कि अब निकलते हैं सिक्किम से, कभी पैसे वाले होंगे तो चलेंगे घूमने के लिए। शाम का टाइम हुआ है अभी 5:30 और हम नेटवर्क की तलाश में घूमते घूमते कोई ऐसी जगह पर पहुँच चुके हैं, और यहाँ से जो पूरा मंगन शहर है वो कुछ ऐसा दिखता है। और उस तरफ कोई अंकल जी काम कर रहे हैं तो वहाँ जाते हैं उनसे करते हैं बात, नेटवर्क तो नहीं मिला मगर थोड़ा मनोरंजन तो कर लेते हैं क्योंकि आज का अपना पूरा दिन बोरिंग सा निकला है। आंटी नीचे खेत में जाने का रास्ता कहाँ से है? नीचे जाने का रास्ता ऐसा। हेलो ब्रदर, फिर मिल गए हम। ये यहाँ पे क्या बना हुआ है? किधर? ये जो कमरे से बन रखे हैं ये सुन, वो क्या बोलते हैं उसे, पिग का वो है, क्या बोलते हैं उसे, घर, पिग का घर। आप पिग रखते हो घर पे? हाँ। ओके, मैं देख सकता हूँ? हाँ देखिए, ये रही भाई, ये रही। शांत शांत शांत। नॉर्थ ईस्ट के अंदर या फिर नॉर्थ ईस्ट का तो पता नहीं, सिक्किम के अंदर ये चीज़ आपको काफ़ी कॉमन मिलेगी। लोग अपने घर पे पिग रखते हैं, फिर उनको काटते हैं, फिर उनका मीट खाते हैं। इस तरफ इनके बच्चों का क्वार्टर बना हुआ है। हेलो दाजू, हम राजस्थान से। राजस्थान से? हाँ। इधर कहाँ से आए? इधर कहाँ से आए मतलब? अच्छा, वहाँ से, वो ऊपर जो बिल्डिंग है ना वहाँ से मैंने आपको काम करते हुए नीचे देखा, तो मैं सोचा दाजू से मिल लेते हैं नीचे जाके। आप क्या कर रहे थे? इनका चारा काट रहे हो? चारों खिलाया, लकड़ी लेके सुबह फिर दाना पानी खिलाया तो पड़ेगा। अच्छा, वैसे काम में हम लोग तो काम ही ऐसे है। हाँ। दिन में घास काटता है दो बार। हाँ। दो बारी। हाँ। उसको दाना पानी खिलाएंगे, उसको गोबर उसको हटाओगे हटाओगे सफा करने पर। काम ही ऐसे है अंकल। वो जो सामने दिख रहा है, वो जो घर दिख रहे हैं उस पहाड़ के ऊपर, वो कौन सा गाँव है? वो जंगू है। जंगू? हाँ, बर्फक जंगू। वहाँ पे हम लोग जा सकते हैं घूमने या परमिट चाहिए? परमिट तो वो डीसी नहीं, मैं पूछ सकता हूँ ऐसे ही घूमने जा सकते हैं, उसके लिए परमिट चाहिए? चाहता है नहीं, संकले में चेक पोस्ट है ना। अच्छा अच्छा, उसको पूछ के जाना है। अच्छा, चेक पोस्ट आएगा बीच में। तो अभी यहाँ पे चल रही अपनी पैकिंग, बैठे बैठे 8:30 हो गए क्योंकि वीडियो अपलोड की थी। यहाँ पे नेटवर्क अच्छा है, ऊपर नेटवर्क नहीं आ रहा था। और अब निकलते हैं वापस अपने कम्युनिटी सेंटर की तरफ क्योंकि 9 बजे गेट बंद कर देते हैं। अगर वो पंगा हो गया तो बाहर रात को जानी पड़ेगी और ठंड भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। और सामने की तरफ जो पहाड़ था, पूरा पहाड़ अभी जगमगा रहा है लाइटों से। तो ये चाचा मिलने अपने को उस खेत से वापस आते टाइम, सभी ढाबे वगैरह बंद हो चुके, तो ये चाचा का जो होटल है ये हमें खुला मिला। और सामने चल रहा है अपना IPL मैच। चाचा भी मैच के काफ़ी शौकीन है। जहीर खान अच्छा लगता है आपको? हाँ। मोहम्मद कैफ, जहीर खान, अजरुद्दीन, अजरुद्दीन पहले कैप्टन। हाँ, कैप्टन था हैदराबाद का। हैदराबाद का हमारा टीम चेन्नई है, ये भी 4 को हार गया। हाँ अच्छा, आपका चेन्नई है? मेरा बेंगलोर है। कोहली का टीम? हाँ, कोहली, विराट कोहली। कोहली के फैन है हम पुराने टाइम से। जीतता तो नहीं है लगे, बुरे वक्त में हम किसी का साथ नहीं छोड़ते। हाँ, है ना, नहीं छोड़ना चाहिए ना। बोलते हैं ना कि दोस्ती में बात छूट जाए, छूट जाए, लेकिन साथ नहीं, साथ नहीं छूटना चाहिए, वही बात है। जीते चाहे ना जीते हम साथ हैं, है ना। मेरा भी हारे हारे चेन्नई का साथ है, साथ धोने की है। अपना अपना एक होता है। हाँ, होता है, वो दिल से लगाव होता है ना किससे। चाचा, जब आप 71 में आए थे यहाँ पे तो उस टाइम यहाँ पे सरकार थी या राजा था? राजा था। राजा था? अच्छा, राजा के राज में रहे हो आप। क्या नाम था राजा का? सुगैल। सुगैल। फिर राजा का राज हटा कब यहाँ से? 70 से आंदोलन शुरू हुआ। अच्छा, उसके बाद राजा हटा, उसके बाद पहला चीफ मिनिस्टर हुआ काजी लंडू दर्जी। वैसे फर्क क्या है राजा के राज में और चीफ मिनिस्टर के राज में? राजा का अपना सिक्किम गार्ड पुलिस था। अच्छा, यहाँ का सिक्किम गार्ड पुलिस था। राजा का टाइम में घूमने आता था वो लोग, उसका लड़की और की लड़का और का घूमने आता था, तो पहले ही सबको बताया राजा रहा है।
राजा आ गया, राजा आ गया, साफ कर दे दे रोड। हाँ राजा का, हाँ सब गाड़ी घोड़ा सब फाइट क्लियर। हाँ हाँ, उसके बाद राजा को सब यहाँ का आदमी लोग क्या क्या गिफ्ट चढ़ाता है साल में। अच्छा अच्छा, फल वल हुआ तो संतरा हुआ, वो टोकरी में बांध के, यहाँ का पीने वाला जाड़ होता है टोकरी में भर के, कोई अनाज नया निकाला उसको मकई ऊख सब लेके राजा को। अच्छा, गिफ्ट देते थे। चाचा बता रहे हैं कि हम लोग गंगटोक मैच देखने के लिए जाते थे, स्पेशल गाड़ी किराए के ऊपर करके। हाँ, गाड़ी रिजर्व करते थे उस टाइम में 700 में। अच्छा, टॉक जाने के लिए। ठीक है, तो वो मैच होता था इंडिया का टाइम में 5 बजे। हाँ तो हम लोग यहाँ से जाना पड़ेगा 9-10 बजे, क्योंकि 5 घंटा लगता था हम लोग 4 घंटा गंगटोक जाने में। रात का मौसम, खाना वाना खा लेते सब, गाड़ी रिजर्व करते तब जाते। तो गंगटोक जाके किसी के दुकान में, वो पप्पू भाई जी था उसका स्टूडियो था, स्टूडियो पुनर्मा स्टूडियो बोल के गंगटोक में है। तो उसी के रूम में जाते, वहाँ टीवी होता। ये कौन सी 80 के आसपास की बात? हाँ हाँ हाँ। तब उसके घर में जाके सब बैठते, वो टीवी लगाता तब देखते, आ फिर देख के को वापस आते। आ फिर कभी लाइट चला गया। हाँ, लाइट जाने के बाद तब कहते हैं लाइट नहीं, क्या देखें, रेडियो। तो ना तब क्या करते, चलो किसी के पास जनरेटर है तो हाँ चलो दूसरे डोमा होटल में जाते। तो बोला पेट्रोल नहीं है, तो हम लोग पेट्रोल खरीदते, उसमें डाल के चलवा के तभी भी देखते। 5 बजे यहाँ गंगटोक जाके पहुँचते, तो वहाँ का सब बोलता था दुकानदार लोग जान पहचान, ये लोग पागल हो गया टीवी के पीछे, रात को गाड़ी रिजर्व करके यहाँ से यहाँ आते हैं, पेट्रोल मांगते घूम रहे हैं। तो ये होता है भाई क्रिकेट का जुनून, बोलते हैं ना क्या देखते हो इसका खेल। ठीक है चाचा, खुदा हाफिज। तो चाचा की दुकान से बाहर निकलते बारिश भी शुरू हो गया है, बस उम्मीद ये है कि 9:30-10 बजने को है, कम्युनिटी सेंटर बंद ना मिल जाए यार, वरना बाहर छाते के नीचे रात नहीं गुजारी जाएगी हमसे। तो मंगन में अपनी कोई सेटिंग बैठ नहीं रही, तो कल का प्लान अपना ये बनाया कि रम्फू से जो ब्रिज जाता है भूटान की तरफ, वो होते हुए अपने मेघालय और आसाम की तरफ निकलेंगे। थैंक यू गॉड, थैंक यू, गेट खुला है। सो आज की वीडियो करते हैं यहीं पे फिनिश। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और मेरे हिसाब से कुछ ज़्यादा खास नहीं था आज का वीडियो, बट डेली व्लॉग्स हैं तो डालने पड़ते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।